हेलो एंड वेलकम बैक आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ़ योर सेल्फ सो डियर स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के तहत मैं सभी फ़ोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट से जो कि स्पेशली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से रजिस्टर्ड हैं मैं उन सभी स्टूडेंट से माफ़ी मांगना चाहता हूं, बिकॉज़ कल मैंने आपको अपने चैनल के थ्रू ही एक वीडियो के थ्रू अपडेट दी थी कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ पर एक ट्वीट करा गया है कि जितने भी फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स से, हैं उनको असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन के तहत उनको पास करा जाएगा लेकिन स्टूडेंट्स वो केवल जो ट्वीट है वो केवल डी यू रेगुलर एंड एन सी वेब स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल था इसकी पुष्टि जो होती है वो कल जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जो जिनके ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा रहे हैं सेवन्थ मार्च ए, सेवन्थ जून से उनकी जो ऑफिशियल ओ बी गाइडलाइंस जो रिलीज़ करी गई उसमें टू पॉइंट्स ऐसे थे जिससे ये बात की पुष्टि होती है कि जो वो जो ट्वीट जो करा गया था कल वो केवल डी रेगुलर एंड एन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल था डी यू एस स्टूडेंट्स के लिए वो जो ट्वीट करा गया था वो एप्लीकेबल नहीं था आइए जानते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर एंड मैं अभी भी आपसे जो एस ओ फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ सो देखिए स्टूडेंट्स मैंने कि आपको बताया था कल कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये इस प्रकार का कर ट्वीट करा गया जहां पर लिखा था कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर फोर फॉर थ्री ईयर यू जी कोर्सेज विल बी ऑन ए बी ई मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन डिटेल्ड गाइडलाइंस टू फॉलो सून देखिए स्टूडेंट्स जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली डी ओ रेगुलर एंड एंड एन सी ओफ़ स्टूडेंट्स उनके लिए तो ये जो पॉइंट है ये एप्लीकेबल होता है लेकिन डी ओ एस स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट जो है असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन का ये जो पॉइंट है ये एप्लीकेबल नहीं होता है देखिए स्टूडेंट्स आपको ये जानकारी इसलिए दी गई थी कल क्योंकि बिकॉज जो स्कूल ऑफ अपर लर्निंग है डेट इज़ एस उसका कोई भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल नहीं है यानी कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सब ब्रांचेस हैं तो मुझे लगा कि जो ये ट्वीट करा गया है फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए ये ड्यू रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी एन स्टूडेंट्स के लिए भी एंड एस स्टूडेंट्स के लिए भी तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन के, के लिए ही तीनों इंस्टीट्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल होगा लेकिन जब इनकी ऑफिशियल गाइडलाइंस ओपन बुक एग्जामिशन के लिए जो जारी करी गई हैं एनुअल स्टूडेंट्स के लिए उनके अंदर कुछ ऐसे टू बेसिक पॉइंट्स हैं जिससे पता चलता है कि ये जो पॉइंट है ये केवल रेगुलर एंड एन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है देखिए स्टूडेंट्स ये वो ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं अपन बुक एग्जामिनेशन के लिए जो रिलीज़ करी गई हैं एनुअल मोड स्टूडेंट्स के लिए देखिए जैसे ही आप इस गाइडलाइन के बिल्कुल एंडिंग पार्ट में जाते हैं जहाँ पर आपको ये टू पॉइंट्स नज़र आते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट सेमिस्टर फोर रेगुलर एंड एनसी वेब विल बी प्रमोटेड बाय ए बी ई मोड एज पर अप्रूव्ड मेथड यूजिंग ड्यूरिंग अगस्त सेप्टेम्बर टू ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जामिनेशन वहीं इसमें जो लास्ट पॉइंट है उससे पता चलता है कि ये जो नोटिफाई था ये जो नोटिफिकेशन था ये एस्ट्रल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था इसमें लिखा हुआ है द अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट फोर्थ सेमिस्टर एग्जामिनेशन एलॉन्ग विद एसेंशियल रिपीटर्स इंप्रूवमेंट एंड एक्स स्टूडेंट ऑफ सेकेंड सेमिस्टर ऑफ एस विल ऑल्सो बी डिसाइडेड इन ड्यू कोर्स आफ्टर असैसनिंग प्री वेलिंग कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक देखिए इनका जो डिसीज़न है वो आने वाले सरकम स्टांसिस पर मद्देनजर रखते हुए सर आने वाले सरकम स्टांस पर जो फैसला है वो लिया जाएगा डी यू एस स्टूडेंट्स के लिए एंड सेकेंड सेमिस्टर एस सी स्टूडेंट्स के लिए तो इससे ये ये पता चलता है कि केवल असाइनमेंट बेस्ड रेवोल्यूशन जो होना है वो डी यू रेगुलर एंड एन सी एफ स्टूडेंट्स का ही होना है सो so स्टूडेंट्स इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी थी बस आपसे थोड़ा सॉरी कहना था मुझे इस वीडियो के थ्रू सो स्टूडेंट्स आई अपोलोजाइज टू ऑल फोर्थ सेमिस्टर स्टूडेंट्स स्पेशली एस आने वाली वीडियोज़ में हम आपको जो भी अपडेट होगा एग्जामेशन के रिगार्डिंग वो आपको दे दिया जाएगा सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे होम स्टे सेफ स्टेडोर्स